हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीम आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2021 जा चुका है और 2022 का आगमन हुआ है। इस नव वेला में आप सब बहुत ही अच्छे से रहे और पिछले 2 साल की भांति जो भी हमारे साथ 2 सालों में हुआ है या जो विपदा पूरे विश्व पर आई है, इस तरह के विपदा हमें आगे ना झेलनी पड़े, यही मैं कामना करता हूँ। दोस्तों, मानव ने प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ किया है और इसी का नतीजा है कि आज हम बड़े बड़े प्रकोप को झेल रहे हैं। इस समय हम सबको ज़रूरत है कि फिर से दोबारा अपने धरती को हरा भरा करें और प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों को पूरा नहीं तो कुछ हद तक मानते हुए चले, जिससे जो हमारा जीवन है वो सरल हो, उत्तम हो और स्वस्थ हो। दोस्तों, आजकल हमारे पास जगह की बहुत कमी हो गई है, जिस कारण से अधिकतर लोगों ने घर पर पेड़ पौधों को लगाना छोड़ दिया है या उनके पास इनको लगाने के लिए जगह ही नहीं बची है। लेकिन फिर भी आज जो है, आप जैसे मित्र हैं और इस तरह के प्रकृति प्रेमी मित्र दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो कि अपने टेरिस पर अपने इस शौक़ को पूरा भी कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रकृति को भी बचा रहे हैं। आपकी कोशिश में मैं थोड़ा सा साथ दे सकूं, यही मैं कामना करता हूं और इसलिए ही मैं इस चैनल पर आपके लिए रोज़ रोज़ नए नए वीडियो लाता हूं, नए नए घरों में जाता हूं, लोग किस तरह से गार्डनिंग को कर रहे हैं उसको दिखाने की कोशिश करता हूं। इसी सीरीज़ में आज का ये एपिसोड है और इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से गमले को हम घर में बना सकते हैं। दोस्तों, यूँ तो हमें मार्केट में हर तरह के गमले मिल जाते हैं, लेकिन हमारे कई सारे मित्र ऐसे भी हैं जिनको शायद धन का थोड़ा सा अभाव है, जिस कारण से वो इतने महंगे पॉट को खरीद नहीं पाते। तो इसी का सॉल्यूशन है इस एपिसोड में, जिससे कि आप बहुत ही कम खर्चे में अपने घर पर इस तरह के गमलों को तैयार कर सकते हैं और जब भी आपको थोड़ा सा समय मिले तो उस समय को निकाल करके इस तरह के गमले को बना सकते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों मैं शांति मंगल दीदी के एपिसोड को लाया था और दोनों ही एपिसोड में 4 दिन के अंदर अंदर ही लाखों व्यूज़ आ गए थे और आपने उनके द्वारा गमले बनाए जाने की डिमांड की थी। तो आप ही के रिक्वेस्ट पर आज का ये एपिसोड है जिसमें उन्होंने खुद इन गमलों को तैयार किया है। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी कि गमले बनाने का पूरा वीडियो आपको दिखाऊं और जो दीदी सामने बैठी हुई हैं इनका वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखा और 1 सप्ताह भी नहीं बीता कि लाखों व्यूज़ इनके वीडियो में आ गए और अभी लगातार मैंने इनका वीडियो डाला है, 2 वीडियो, और दोनों ही वीडियो में लाखों की संख्या में व्यूज़ आ गए और वो भी केवल हफ्ते भर में। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की कि इनसे ही जो है गमला बनाना सीखना चाहते हैं, कैसे किस तरीके से गमले को बनाते हैं। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पर ही जो है ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो दीदी, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में। आपका भी सबकी स्वागत है। हमारे दर्शक जो है और जो मित्र हैं आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं और गमला किस तरह से बनाते हैं पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं। तो आज गमला बना करके दिखा रहे हैं, शुरू से दिखा रहे हैं। ठीक, तो इसके लिए क्या क्या आप ले रहे हैं सामग्री, पहले वो मुझे बताइए कि क्या क्या चाहिए होगा। रेता चाहिए, सीमेंट चाहिए, पानी चाहिए। ठीक, ये जैसे रेत आपने लिया है और इसमें क्या, ये सीमेंट है? सीमेंट है। और पानी चाहिए? पानी चाहिए।
और इसके अलावा ये जो दिखाई दे रहा है गमला में ऑयल और ग्रीस डालते हैं। अच्छा, तो ऑयल ग्रीस आप लाए हैं? हाँ लाए, ये डिब्बा में रखा है। अच्छा, ये जो आप लेते हैं जायश या गमला, ये कोई खास तरह का होता है या नॉर्मल कोई भी गमला लेके हम बना सकते हैं? नॉर्मल कोई भी गमला से बन जाता है। इसका कोई ऐसा होता है कि जैसे ये अंदर के साइड में देख रहा हूँ कि ज़्यादा प्लेन है, तो अंदर खुरदुरा होना चाहिए या प्लेन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? कोई भी ले सकते हैं। जैसे अंदर डिजाइन ज़्यादा होगा, ऊंचा ऊंचा टाइप का, उसमें अच्छा बनता है, डिजाइन बनता है, बाहर डिजाइन आता है गमले में। ठीक, लेकिन जो इसका सरफेस है वो जितना ज़्यादा इसमें फिसलन होगा तो उतनी जल्दी जो है गमला मेरे ख्याल से निकल जाता है। जल्दी निकल जाता है। तो ये जैसे बहुत प्लेन मुझे सरफेस इसका नज़र आ रहा है, बहुत स्मूथ है, तो जब भी बनाना चाहे तो इस तरह का गमला आप लोग ले सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, और इसके अलावा जो तेल आप कह रही हैं तो वो कौन सा तेल है? ये जो कटोरी में दिखाई दे रहा है वो ऑयल और ग्रीस मिला के रखा है। कौन सा ऑयल है? सरसों का? नहीं, जो लेंटर में डालते हैं। अच्छा, लेंटर में डालते हैं जो मोबिल होता है, और साथ में ऑयल, मोबिल और क्या, ग्रीस, ऑयल और ग्रीस। अच्छा, ग्रीस भी मिलाते हैं उसके साथ। बहुत बढ़िया। और सरसों का तेल हम इसमें यूज़ कर सकते हैं अगर किसी के पास ये ना हो तो? हाँ, रिफाइन भी होते हैं, सरसों का तेल भी उसमें से भी निकल जाते हैं। यानी कि जिसमें भी फिसलन हो इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। जैसे हम लोग कई बार जो हमारे पास बचा हुआ ऑयल रहता है घर में, हम लोग चिमनी वगैरह लगाते हैं किचन में, तो उसका भी वेस्ट ऑयल होता है, तो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप किस तरह से नापेंगे गमला बनाने के लिए, आप दिखाइए कितना आप रेत लेते हैं, कितना मिट्टी लेते हैं? गमला का हिसाब से, जो बड़ा गमला है उसमें कम से कम 20 कन्नी रेता डालते हैं, और छोटा गमला में जैसे गमला हिसाब से तो उसमें ज़्यादा चाहिए बड़े गमले में। अच्छा, आप जो ये कन्नी कह रहे हैं, कन्नी क्या होता है? ये जो दिखा रहे हैं हाथ में यही है क्या? हाँ, मिस्त्री का सामान है ये। अच्छा, ये कुछ कुछ खुरपे जैसा ही है। हाँ। लेकिन थोड़ा चौड़ा ज्यादा है, थोड़ा गोलाई के शेप में है। हाँ। अंडाकार। तो थोड़ा सा आप दिखाना शुरू कीजिए कि किस तरीके से बनाते हैं। ये रेता नाप के रखा है 15 कन्नी। किस तरह से कन्नी नापते हैं आप एक बार दिखा दीजिए। ऐसे जैसे ये एक हुआ, तो ऐसे आपको 15 बार लेना है। 15 बार लिया। ठीक, और इसके अंदर फिर इसमें अब डालेंगे 4 कन्नी सीमेंट डालेंगे। अच्छा, ये रेते को आपने छान लिया है, जो बजरी वगैरह इसमें होते हैं तो? हाँ। वो सब निकाल दिया है? हाँ, सारा निकाल दिया, छान के लिया। ठीक, और इसके बाद सीमेंट कितना लेंगे? लीजिए आप। तीन कन्नी आपने लिया सीमेंट, और रेता कितने कन्नी लिया था? रेता लिया 15 कन्नी। इसका 15 लिया और इसका 3, ये और भी लेंगे? एक और लेंगे, 4 लेंगे। यानी कि 15 भाग रेत है तो 4 भाग सीमेंट का। जितना ज्यादा डालेंगे सीमेंट उतना मजबूत होते गमला। ठीक, तो घर के लिए अगर बनाना चाहे तो 5-6 इतना भी आप डाल सकते हैं, तो आपका जो गमला है मजबूत रहेगा और टूटेगा भी नहीं। जबकि हम अगर गमला खरीदते हैं तो वो लोग बस नाम मात्र का सीमेंट डालते हैं, जिससे कि केवल बस जुड़ा हुआ रहे और हवा वगैरह आते ही जो है वो अगर गमला गिरता है तो टूट जाते हैं। तो ये 4 जैसे आपने लिया और 15 कन्नी आपने लिया रेत का, तो ये एनफ है, इससे हो जाएगा? हाँ, सही मजबूती आ जाएगी। अच्छे से आपको इसको मिक्स करना है, और सूखे सूखे में ही मिक्स करना है, सूखा सूखा ही में, क्योंकि पानी पहले से मिलाएंगे तो मिक्स होने में दिक्कत होगा। अब ये पानी नॉर्मल आपने लिया है, या पानी गर्म पानी तो नहीं लेते? नहीं, ठंडा पानी। अच्छा ठीक, नॉर्मल जो पानी है वही डाल देना है। और सूखा सूखा ही रखना है, ज़्यादा गीला नहीं करना है। हाँ, सूखा ही रखना है।
एकदम से ज़्यादा पानी आप लोग मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डाल करके देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर ज़्यादा होगा तो फिर आपको दोबारा से सीमेंट और रेत इसमें मिला करके मिलाना पड़ेगा, फिर जो है इसको सुखाना पड़ेगा। और इसी तरीके से ये जितने भी गमले देख रहे हैं इसी तरीके से बनाए हुए हैं। और दीदी के घर में जितने भी गमले हैं तो कोई भी गमले इनके खरीदे हुए नहीं हैं, सारे जो गमले हैं खुद ही इन्होंने तैयार किया है। कुछ इस तरह का मसाला आपको बनाना है, देखिए ज़्यादा गीला नहीं है, ये थोड़ा सूखा सूखा ही है और करनी से हल्का ये चिपक जाता है। अच्छा, ये आपने क्या किया, जैसे पहले सीमेंट है, सीमेंट का घोल, अच्छा सीमेंट लिया थोड़ा सा, उसमें पानी डाला, पानी डाला, ठीक, इसको मिलाना है। हाथ से भी मिला सकते हैं या कोई डंडे वगैरह से आप मिला सकते हैं, चम्मच से मिला सकते हैं। इस तरह से घोल तैयार कर लेना है, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं। अब इसमें जो है देखिए गमले में क्या लगा रहे हैं, ये वही ऑयल, ऑयल ये ऑयल लगाने से क्या फिसलन बनी रहती है इसकी? हाँ। और गमला निकालने में मेरे ख्याल से आसानी रहती है, आसानी रहते हैं। इस तरह से कोई भी ऑयल आप लगा सकते हैं, इसका मकसद बस यही है कि चिकनाहट होनी चाहिए। और इसके बाद वही घोल आपने डाल दिया, अच्छा ये चारों तरफ से इस तरह से लगाना है। ये लगाना सीमेंट का घोल जरूरी होता है क्या? अच्छा दिखता है ना बाहर, मतलब जो प्लेन सरफेस है वो आता है, फिनिशिंग आता है बाहर, फिनिशिंग आता है, अदरवाइज जो इधर आप देख रहे हैं प्लेन सरफेस, इस तरह का प्लेन सरफेस नहीं आएगा। तो ऐसा स्मूथ अगर चाहते हैं तो ये घोल लगाना जरूरी है। अच्छा ये सूखा वाला भी आप इसमें डाल दें थोड़ा थोड़ा? हाँ। तो सूखे का भी यूज करना है थोड़ा सा ऐसे पाउडर की तरह? हाँ पाउडर की तरह, नहीं तो नीचे उतर जाता है, देखो उतर गया। अच्छा तेल वही सीमेंट है, थोड़ा सा सूख जाता है इससे मेरे ख्याल से और नीचे जो है नहीं गिरता। तो इस तरीके से देखिए कैसे डाल रहे हैं सभी मसाले को। ये कन्नी वगैरह कहाँ पर मिल पाएगा? मार्केट में, मार्केट में जहाँ लोहे वगैरह की दुकान है, झाड़ू हाँ। वगैरह मिलता है, ऐसी जगह मिल जाएगा? हाँ। लोहे का सामान, नल वगैरह सब कुछ मिलते हैं वहाँ पे। अच्छा, जहाँ नल पाइप इस तरह हाँ। की दुकानें होती है तो वहीं पर ये मिलता है और कन्नी कहते हैं इसको। देखिए किस तरीके से जो है अब किनारे इसको लगाया जा रहा है, पहले पूरे मसाले को इन्होंने डाल दिया और अब ये करने के हेल्प से इस तरह से किनारे किनारे लगा रहे हैं।
हाथ के हेल्प से पहले एक शेप इसको देना होता है। अच्छा, ये जो बड़ा वाला चम्मच है वही है? हाँ। इसका यूज होता है इसको सरफेस को प्लेन करने के लिए। प्लेन करने के लिए तो इससे स्मूथ हो जाता है क्योंकि हल्का सा कर्व होता है ये, तो जो गोलाई है वो बनाने में आसानी रहती है। और इसकी मोटाई जो है लगाते हैं कितना, लगभग 1 इंच के लगभग मोटाई रहती है? हाँ। तो 1 इंच जब तक ना रहे तब तक आप इस तरह से चम्मच से करते रहिए, जो बड़े वाले चम्मच है, तो जब 1 इंच के लगभग रह जाए ऊपर से तब आप उसको चम्मच से फिर करना बंद कर दीजिए इस तरह से प्लेन। देखिए चारों ओर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि बराबर बराबर चारों ओर से लगे। ये एक गमला बनाने में लगभग कितने रुपए खर्च होते होंगे अगर हम देखें तो? ऐसे 1 किलो सीमेंट से बन जाता है। 1 किलो भी, 1 किलो से भी कम लगता है। 1 किलो से कम लगता है सीमेंट। रेता कम से कम 5 किलो। अच्छा, तो खैर गमले जितना बड़ा बनेगा उस हिसाब से इसमें चाहिए होगा। हाँ। तो मुश्किल से मेरे ख्याल से इसमें 15 से 20 रुपए का खर्च भी नहीं आता होगा एक गमला तैयार करने में। हाँ। जबकि मार्केट से यही गमला हम लेने जाए तो यही लगभग हमें 100 रुपए का, 80 रुपए का ऐसे पड़ता है। बिल्कुल स्मूथ कर दिया इसको आपने। जो किनारे किनारे हल्का हल्का करने से काट दे रहे ताकि जो गोलाई है उसकी परफेक्ट शेप में बने। तो शुरू से ही ये काम करना अच्छा रहता है क्योंकि बाद में अगर आप इसको तोड़ने जाएंगे तो ऊपर का जो सरफेस है कहीं ज़्यादा टूट सकता है, कहीं कम टूट सकता है। तो इस वजह से अच्छा है कि किनारे पहले ही आप साफ कर लें। अच्छा, नीचे तले को जो है यहाँ प्लेन करने के लिए किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं? बल्ब। अच्छा, बिजली का जो बल्ब होता है, क्योंकि इसमें भी जो है थोड़ा सा गोलाई में होता है। तो देखिए इस चीज़ का यूज़ किया यहाँ पर, इसे बल्ब के हेल्प से इसको नीचे तली जो है सरफेस को एकदम प्लेन कर दिया। और फिर कोई भी एक डंडे के हेल्प से या सरिये के हेल्प से आप यहाँ पर एक होल नीचे कर देंगे। तो ये होल कर दिया देखिए, तो पहले से इस तरह से होल बनाने से अच्छा रहता है। अगर बाद में आप बनाने जाएंगे तो नीचे से गमला टूट सकता है। टूट सकता है। हाँ। तो इस तरह से ये गमला जैसे आपने तैयार करके ऐसे रख दिया, अब इसको जो निकालना है ये कब निकालना है? जैसे आज शायद 3 बज गया अभी। ठीक, तो कल 3 बजे धूप निकलेगा तब जाके निकल गए। अच्छा, इसको ऐसे धूप में ही रखना है या छाए में ही रखना है? धूप में ही रखना है, अभी ठंडे के मौसम में धूप में रखना पड़ता है। अच्छा, सर्दियों के मौसम में इसको धूप में रखना है और 24 घंटे बाद हम इसको निकाल सकते हैं। हाँ। तो निकालना कैसे, गमले को उल्टा करके? हाँ, उल्टा कर देंगे तो अपना निकाल जाएंगे। और बहुत ध्यान से निकालना होता है और जबरदस्ती नहीं करना, अगर नहीं निकले तो थोड़ी देर और सूखना है और थोड़ी देर एक दिन और सूखा ले,
या 4-5 घंटे बाद देख ले एक बार, लेकिन ज़बरदस्ती करके नहीं निकालना है। नहीं निकलता है ज़बरदस्ती, टूट जाता है। तो अपने आप से ये छूट जाएगा जैसे जो है गमला सूखेगा, क्योंकि अभी ये गीला है तो पानी जैसे जैसे सूखेगा तो गमला भी इसमें जो है ढीला होता जाएगा अंदर का, और वो निकल जाएगा। और निकलने के बाद फिर इस तरीके का बनेगा। हाँ। और उसके बाद कोई घिसाई वगैरह कुछ करना पड़ता है या डायरेक्ट आप पेंट कर देते हैं? डायरेक्ट पेंट कर देते हैं। इसमें डायरेक्ट हमें पेंट करना है, जैसे इधर का आपने कर रखा है तो इसी तरीके से। और ये जो पेंट है, कौन सा पेंट हम यूज़ कर सकते हैं? जैसे भी, जितना भी अच्छा पेंट करो अच्छा होता है, जल्दी नहीं उतारता है। जैसे घरों में जो हम आमतौर से दीवारों में करते हैं तो उस टाइप के पेंट को हम इसमें कर सकते हैं? हाँ। या एक्रोलिक पेंट अगर चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन एक्रोलिक जो है इसके लिए ज़्यादा महंगा होगा। महंगा होगा। जो नॉर्मल घरों में हम करते हैं तो उस तरह का पेंट लेके कर सकते हैं आप। तो दीदी, आपने जो है हमें अच्छे से गमले को बनाना सिखाया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद।